इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हारमोनियम जल्दी से जल्दी कैसे सीख लें, कैसे बजाना आ जाए, हारमोनियम में छोटी छोटी जो भी जानकारियाँ हैं वो जल्द से जल्द हमें कैसे प्राप्त होगी, वो सभी चीज़ें हम सीखेंगे इस वीडियो में। म्यूज़िक से जुड़ी हर बात जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और बेल आइकन दबाएं हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। विजिट करें हमारा वेबसाइट, यहाँ आपके सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं। हारमोनियम में सबसे पहले ज़रूरत होती है कि आप बेसिक कुछ चीज़ें जानें, सारे गामा। तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हारमोनियम, उसमें आप जाके देखेंगे। सारे गामा बजाने का बहुत सारा तरीका है, जो मेल हैं वो यहाँ से बजा सकते हैं। सी शार्प से, डी शार्प से भी बजा सकते हैं, सी से भी बजा सकते हैं। जो फीमेल है बी फ्लैट से बजा सकती हैं। ये हो गया। कुछ चीज़ें होती हैं जो हारमोनियम बजाने वालों को अलग करती है दूसरों से, कुछ बजाने वालों को, कुछ अच्छी चीज़ें, जैसे कॉर्ड्स कैसे यूज होते हैं। अगर हम सी शार्प मेल के बारे में देखें तो सारे गामा है, कॉर्ड्स बनता कैसे है, 1 3 5 सा गा पा, पहला सुर, तीसरा सुर, पांचवा सुर, किसी भी स्केल में पहला कॉर्ड ऐसे बनता है। मतलब कोई भी नोट के लिए अगर आपको कॉर्ड देखना है तो कैसे बनेगा, अगर सा के लिए देखना है तो 1 3 5, रे के लिए देखना है तो 1 3 5, गा के लिए देखना है तो 1 3 5, मा के लिए 1 3 5, पा के लिए 1 3 5, धा के लिए भी 1 3 5, 1 3 5 1 3 5। अब देखिए कॉर्ड से सारे गामा बज सकता है, सा रे गा मा पा धा, सभी शुद्ध स्वर हो गए, ये सभी कॉर्ड्स यूज होते हैं। अब क्या क्या सीखना चाहिए वो चीज़ें हम जानते हैं। बेसिक सारे गामा सबको अपने स्केल पे बजाने आना चाहिए और सारे गामा का खूब प्रैक्टिस करें। कुछ पाल्टा है, कुछ पाल्टों का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। ये मैं क्या पकड़ता हूँ, कॉर्ड। कॉर्ड का भी एक प्रोग्रेशन होता है, जैसे पहला कॉर्ड, चौथा कॉर्ड, पांचवा कॉर्ड, फिर पहला, इस तरीके से ग्रुप ऑफ कॉर्ड चलते हैं। कॉर्ड के बारे में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, अभी बेसिक सब जानते हैं। हारमोनियम, हारमोनियम बजाने का सबसे बेसिक जो रूल है वो यही है कि आपको सारे गामा अच्छे से बजाने आना चाहिए। अब इसके बाद अलग अलग राग का जो नोट्स होते हैं वो सभी आप जान सकते हैं। राग भैरव में कोमल रे यूज होता है, ये जो सा रे है, रे के पहले वाला कोमल होता है, गा के पहले वाला कोमल गा। तो भैरव में क्या यूज होता है, सा कोमल रे गा मा पा धा कोमल नी सा। सा के लिए जो कॉर्ड है ये सेम ही लगता है, सा गा पा सब में। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए हारमोनियम बजाने के लिए। अब कुछ बातें आती है कि कोई गाना कैसे निकलेगा, यहाँ जो मामला है ना बहुत गंभीर हो जाता है, क्योंकि सिर्फ उंगलियों से गाना नहीं निकलता, गाना निकालने के लिए दिमाग भी ज़रूरी है, आप कितना समझ पा रहे हैं वो समझदारी ज़रूरी है। तो गाना जो निकालने का जो सवाल है कि खुद से कैसे निकलेगा, वो बहुत जल्द नहीं निकलता है, ये सच्चाई है। उसके लिए एक एक चीज़ आपको सीखना है इसका, पहले कुछ गानों का नोटेशन सीखना पड़ेगा, कैसे वो बजता है, उसको बजा बजा के सारे गामा, फिर हमेशा बजाइए सारे गामा बजाइए, कुछ पाल्टा बजा लीजिए जो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ बेसिक सिंगिंग लेसन, उसमें कुछ पाल्टा प्रैक्टिस कीजिए आप। पाल्टा के बाद कुछ राग पे आप अपना उंगलियाँ चलाइए, उसी पाल्टा को कुछ रागों पे आप चलाइए। थाट होता है, थाट बजाया नहीं जाता, वो उंगलियों की प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि एक थाट से में बहुत सारे राग हैं, तो आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही सब चीज़ होता है जो हारमोनियम
बेसिक जो जानने की चीज़ है, जो एक्स्ट्रा जानने की चीज़ है, वो है कॉर्ड्स। हर राग में कैसे कॉर्ड्स बजेगा, ये सभी बातें होती है, वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। जो हमारी बेसिक है वो यही चीज़ें हैं कि अपना सारेगामा सही से बजाने आना चाहिए। जब सारेगामा बजाने आ जाएगा तो उसके बाद हमें धीरे धीरे हम पालटा समझ जाएंगे। फिर राग का जो नोटेशन है, कोई भी राग आ जाएगा, अगर हम श्री शाप पे देखें तो यमन आ सकता है। यमन की जगह क्या है, माँ की जगह से तीव्र माँ लगता है। ये क्या हो रहा है, ये बजाने के लिए मैं क्या किया, इसको बोलते हैं कर्ण। थोड़ा थोड़ा टच करना अगल बगल वाले स्वरों को, थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में। ये सभी चीजें होती है, छोटी छोटी चीज। तो जो जल्दी सीखना चाहते हैं उनके लिए छोटी छोटी टिप्स थी जो बजाने में आप उपयोग कर सकते हैं। तो हारमोनियम बहुत जल्दी सीखेंगे बजाना। हारमोनियम बजाने से रिलेटेड और भी कुछ अगर बात हो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपकी हर बात, हर क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकूँ। और मैं कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में बहुत सिस्टमेटिक ढंग से प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसे देखिए। और अगर कोई बात हो तो कमेंट कीजिए। अपनी पर्सनल चीज़ों को कुछ मुझसे अगर कहनी हो, अपनी बात अगर कुछ कहनी हो, तो आप फेसबुक पेज पे मैसेज कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद। अगर आप मुझसे पर्सनली गाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास दो तरह से होता है, एक वीडियो कॉलिंग के जरिए फेस टू फेस सामने बैठकर, और दूसरा व्हाट्सएप ऑडियो के जरिए।